अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन हज़रात, इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं आज की टॉपिक है नमाज। नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तोहफ़े ये तोहफ़ा इनायत फरमाया माशाअल्लाह। तो नमाज हर मोमिन मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। जब बच्चा 8 साल या 10 साल का हो जाए तो उन माओं से और वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को नमाज का इल्म दे, क्योंकि नमाज कब्र की पहली मंजिल है। नमाज आप दुनिया में जितने भी काम कर ले, वक्त निकाल के आप इंशाअल्लाह नमाज की वक्त पे नमाज अदा करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वक्त पे नमाज करने वाले ये सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल के करीब होते हैं माशाअल्लाह। तो हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, अक्सर देखा जाता है कि लोग सर पे हाथ रख के कुछ पढ़ते हैं, तो वो क्या पढ़ते हैं? अगर आप परेशान रहते हैं, किसी चीज़ में बीमारी में मुब्तला है, तो अल्लाह का ये प्यारा सा नाम 11 मरतबा आप हर नमाज के बाद सर पे हाथ रख के पढ़ ले तो बेहतर है। और एक बात, आयतुल कुर्सी भी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इमाम के पीछे जब आप नमाज पढ़ते हैं तो कोशिश रहे कि आयतुल कुर्सी भी पढ़ लें। इसका भी बहुत बड़ा फजीलत, बहुत बड़ा सवाब है। तो आइए जानते हैं कि जब हम नमाज से फारिग हो जाते हैं तो सर पे जब सलाम फेरने के बाद सर पे जो कलिमात पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपका नाचिस, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन रज़ा रिज़वी, मेरे इस्लामिक चैनल इस्लामिक कंटेंट पे इसी तरह की दीनों मसले की बातें, नमाज कुरान हदीस की बातें, नाते मनकबत पाई जाती हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि दीन की बातें सबसे पहले आपको मिल सके। और आखिर में आप वीडियो को भी शेयर कर दें, ताकि दीनी मसला के बातें लोगों तक पहुँचाना सवाब का पाक काम है, ताकि आपके जरिए लोगों तक दीन की बात पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमाज से जब फारिग हो जाते हैं तो सर पे रख के हाथ क्या पढ़ते हैं? 11 मरतबा आपको पढ़ना है इस कलिमात को, इस प्यारा से अल्लाह का प्यारा सलाम। आपको मन में बिस्मिल्लाह पढ़ लें, उसके बाद या कईयो 11 मरतबा पढ़ना है। या लिख लें, आप अगर याद ना हो तो इसको आप कहीं पर लिख लें, और कोशिश करें इसको हर नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद इसे 11 मरतबा पढ़ लें। तो क्या, या कईयो, या कईयो, या कईयो पढ़ कर आप बदन पे फूंक लें और दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह के साथ पे यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। अब जो भी काम करें अल्लाह पे भरोसा रख के करें, इंशाअल्लाह सिर्फ हासिल होगी। तो चलते हैं अगले वीडियो पे, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।